आयमन। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हैकर्स एक्चुअली हमारा पासवर्ड हैक कैसे करते हैं। अगर हमने इंस्टाग्राम पर या जीमेल पर अकाउंट बनाया है, जिस अकाउंट के अंदर हमने पासवर्ड स्टोर किया है 123456, तो ये पासवर्ड ऐसे का ऐसा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता कंपनी के पास। इंटरनेट पर जितनी भी कंपनीज हैं सबके पास अपना एक हैशिंग एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम क्या करता है, आपका प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड लेता है और उसकी फॉर्म चेंज कर देता है और उसको ऐसी कैरेक्टर्स की फॉर्म में ले आता है जिसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे, और फिर ये हैश्ड फॉर्म हमारे डेटाबेस में जाकर स्टोर होती है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारी हैशिंग एल्गोरिदम्स है, जैसे हमारी SHA-1, SHA-256, MD5, MD6 और भी बहुत सारी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने निकले हैं, तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल, उसके बाद अपना पूरा नाम, फिर अपना यूजर नेम और फिर अपना पासवर्ड उसे बताना पड़ेगा। अब जब भी ये सारी इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म की कंपनी के पास स्टोर होगी, तो उसमें आपका ईमेल जो है, आपका नाम जो है या फिर आपका यूजर नेम, ये वैसे का वैसा स्टोर होगा, लेकिन आपके पासवर्ड को पहले हैशिंग एल्गोरिथम को भेजा जाएगा, फिर वो हैशिंग एल्गोरिथम उसकी फॉर्म कन्वर्ट करके उसको अलग फॉर्म में डेटाबेस के अंदर स्टोर करा रही होगी। तो अगर इंस्टाग्राम के अंदर कोई डेटा ब्रीच भी हो जाता है या उसका डेटा लीक हो जाता है, तो हैकर के पास आपकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी आपके अकाउंट में एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आपका ओरिजिनल पासवर्ड नहीं आया, उसकी हैश्ड फॉर्म आई है। अब पास्ट में हैकर्स ने सिर्फ इंस्टाग्राम का नहीं, ऊबर का, ट्विटर का, एप्पल का, डोमिनोज का, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनी का डेटा जो है वो हैक कर रखा है या फिर इनका डेटा लीक हो चुका है। अब हैकर जो सबसे पहले टेक्निक लगाएगा उसका नाम है रेनबो टेबल्स। इंटरनेट पर ऐसी टेबल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स और उनके हैश्ड फॉर्म्स होते हैं, तो वो आपके पासवर्ड के हैश्ड फॉर्म को उस टेबल में हैश्ड फॉर्म के साथ मैच करेगा और जहां भी मैच आ जाता है वहां से उसको आपका ओरिजिनल पासवर्ड मिल सकता है। इसीलिए कंपनीज एडवाइस करती है कि आप अपने पासवर्ड जो है वो थोड़े से अलग रखिए, जैसे 1 2 3 4 5 है या 1 2 3 4 5 6 है या फिर पासवर्ड है, ये सारे के सारे हमारे वीक पासवर्ड्स हैं जो रेनबो टेबल्स के अंदर पहले से अवेलेबल हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेव किया है तो हमारा रेनबो टेबल्स वाला मेथड फेल हो जाएगा और उसके बाद हैकर ट्राई करेगा डिक्शनरी अटैक्स। अब रेनबो टेबल्स की तरह डिक्शनरीज भी होती हैं जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स होते हैं पर बहुत सारे स्टोर्ड होते हैं। अब इसमें हैश अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए ये वाला प्रोसेस हल्का सा स्लो होता है, तो वो हर एक कॉमनली यूज्ड पासवर्ड का हैश निकालेगा और फिर हैकर उस हैश के साथ आपके पासवर्ड के हैश को कंपेयर करेगा और यहां पर अगर मैच मिल जाता है तो फिर उसको डिक्शनरी में से आपका पासवर्ड मिल जाएगा। अगर ये प्रोसेस भी फेल हो जाता है फिर वो ट्राई करेगा ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में वो हर कैरेक्टर के और हर नंबर के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालेगा और हर कॉम्बिनेशन के लिए वो एक हैश निकालेगा और उस हैश से आपके पासवर्ड को कंपेयर करेगा। अब अगर यहां पर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा होगा तो वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने में उसके कंप्यूटर को अरबों करोड़ों सालों तक लग सकते हैं। इसीलिए इन तीनों टेक्निक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। अब इसके अलावा कंपनीज के अंदर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं और सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, वो एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम है सॉल्टिंग। जैसे हम सब्जी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, वैसे ही कंपनीज के पास एक प्राइवेट की ऑफ कैरेक्टर्स होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। वो आपके पासवर्ड को लेगी और उसके बीच बीच में वो अपने सॉल्ट को ऐड कर देंगी और उसके बाद हैश निकाल कर उसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रही होंगी। तो अगर डेटा ब्रीच भी हो जाता है तो जो हैश्ड फॉर्म हैकर को मिलेगी वो आपके ओरिजिनल पासवर्ड की हैश्ड फॉर्म नहीं होगी, वो एक सॉल्टेड पासवर्ड की हैश्ड फॉर्म होगी जिसको क्रैक करना और भी डिफिकल्ट होगा और उसको हैकर तभी क्रैक कर पाएगा जब उसे कंपनी के सॉल्ट के बारे में पता हो। तो आई होप कि ये कुछ बेसिक पासवर्ड हैकिंग टेक्निक्स हमें समझ में आई होंगी जो हैकर्स यूज करते हैं हमारे पासवर्ड्स को हैक करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।